नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। पोषण ट्रैकर का नया वर्जन 16.7 16.7 आ चुका है, इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वह गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोषण ट्रैकर को अपडेट ज़रूर कर लें। तो जो जो नया वर्जन है हमारे पास, इसमें तीन जो चेंजेस हैं, तीन जो बदलाव हैं वो लाए गए हैं। नंबर एक है एडिट न्यू टू न्यू फील्ड्स इन बेनिफिशरीज फॉर्म। बेनिफिशरी के फॉर्म में जो दो नए फील्ड को ऐड किया गया है, इसमें नंबर एक है रिलीजियस माइनॉरिटीज इन ऑल कैटेगरीज फॉर्म। जितने भी पोषण ट्रैकर में बेनिफिशरीज हैं तो उसमें एक जो कॉलम ऐड किया गया है वो है रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब प्रश्न पैदा होता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या होती हैं। जी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, जो 1992 वाला माइनॉरिटीज एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है, वो कहता है कि इंडिया में, हमारे देश में मुस्लिम्स, सिक्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज जो हैं, दे हैव बीन नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज कम्युनिटीज अंडर सेक्शन 2C। मतलब ये जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं और जो पारसीज हैं, जी माइनॉरिटीज में आती हैं। मतलब अगर कोई बेनिफिशरी इन कैटेगरी में आएगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो माइनॉरिटीज में आए हैं तो उनको यस करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट में बी पार्ट है, वहाँ पे है कि चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इन वहाँ पे है चाइल्ड गोइंग टू स्कूल इन चिल्ड्रन 3 years to 6 years। मतलब कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, जैसे आपके पोषण ट्रैकर में आपने ऑलरेडी इनरोल किए गए हैं, अब फॉर एग्जांपल आपका वहाँ से कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो सिंपली आपने उस कॉलम को क्लिक कर, उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वहाँ पे आपने लिख देना है कि हाँ जी, वहाँ पे कॉलम होगा, उस कॉलम में मेंशन कर देना कि चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, जो इस 3 to 6 year की कैटेगरी में है। उसके बाद जो दूसरा बदलाव किया गया है वह है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एडिट टू द प्रोफाइल कार्ड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेग्नेंट वुमेन में आपको पता है कि पहले सिंपली वहाँ पे जब हम प्रोफाइल कार्ड देखते थे तो उसमें LMP आता था, लास्ट मेंसुरेशन जो पीरियड है वो नोट होता था, वो डेट नोट होती थी। लेकिन जो EDD है, EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, पहले से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन डेज में इस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी होगी, तो वो पहले उस फॉर्म में नहीं थी, तो अब उसको ऐड कर दिया गया है। जो तीसरी चेंज आई है, तीसरा जो बदलाव आया है वे है माइनर बग फिक्सेस, वही की जो एरर्स थे उनको करेक्ट किया गया है। तो जे माइनर चेंज ही है, तो जो मेन दो चेंजेस हैं जो कि लाई गई हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पोषण ट्रैकर में जाके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बदलाव जो हैं वो लाए गए हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वे प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पे वो टाइप करेंगी पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ओपन आ रहा है, ओपन की जगह वहाँ अपडेट आएगा। जिनने अपडेट नहीं किया होगा, जिनने अपडेट किया होगा तो वेल एंड गुड। तो जब हम इसको पोषण ट्रैकर को दोबारा से ओपन करेंगे पोषण ट्रैकर में जाके, तो जहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ आएंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो सबसे पहली जो चेंज की गई है, पहला जो बदलाव किया गया है वो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन ऑल कैटेगरी फॉर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी बेनिफिशरी को ऐड करना है, किसी भी मतलब किसी भी कैटेगरी वाले बेनिफिशरी को ऐड करेंगे, हम यहाँ 0 to 6 months तक ले रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे तो सबसे ऊपर नेम ऑफ चाइल्ड है, फिर नेम आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, फिर लिखा चाइल्ड डज नॉट हैव आधार यस आर नो, हेल्थ आईडी है, फिर आबा के बारे में है, फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड है, फिर जेंडर है, फिर नेम ऑफ फादर है, फिर मदर का नाम है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर यहाँ पे जो आता है कैटेगरी, और फिर डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी। तो इसमें अगर रिलीजियस माइनॉरिटी में बिलोंग करते होंगे, जैसे कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद
आ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी। तो आपको जैसे कि बताया गया है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है अगर वो बेनिफिशरी मुस्लिम होगा या मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता होगा, सिख फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली, जैन फैमिली है और पारसीज, तो इसी उस केस में यस लिखना है। अदरवाइज़ अगर वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता होगा उस केस में हमने नो लिखना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाली जो चेंज है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी वाला कॉलम को ऐड किया गया है। उसके बाद जो सेकंड है वो है चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, जो है उसमें एज, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको पता है कि जो चाइल्ड है वो जो 3 to 6 ईयर्स वाले चिल्ड्रन हैं उन्हीं में से बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। जैसे 4 साल का बच्चा स्कूल में चला गया है तो उसमें जब हम एडिशन करेंगे, अगर उस चाइल्ड की हमने आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी होगी तो ऊपर से आ रहा है नेम ऑफ़ चाइल्ड लिखना है, फिर जैसे पहले था आधार नंबर ऑफ चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, फिर आईडी है, फिर आबा, फिर डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, ये जहाँ पे आ रहा है जो जेंडर के नीचे आ रहा है, चाइल्ड इज़ द चाइल्ड गोइंग टू द स्कूल, अगर स्कूल में जाता होगा तो उस केस में हमने यस लिखना है, अगर स्कूल में नहीं जाता होगा उस केस में नो लिखना है। तो ये जो दो कॉलम्स हैं ये इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे देखो इस में भी नीचे है फादर का नाम है, मदर का नाम है, मोबाइल नंबर है, फिर कैटेगरी है, फिर दोबारा आ गया डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ये जो दो हैं, एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी एज एक चेंज लाई गई है, दूसरा इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल जो है ये दूसरी जो चेंज है वो लाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब डेट ऑफ डिलीवरी नेचुरली जी किस केस में होगा, जी प्रेग्नेंट लेडी के केस में होगा। तो प्रेग्नेंट लेडी वाला जो हम प्रेग्नेंट वुमेन वाला कॉलम जब क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे पहले पूजा देवी है, पूजा देवी पे हम यहाँ क्लिक जब करेंगे तो इनका जो आईडी है बेसिक प्रोफाइल है जी आ जाएगी। बेसिक प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ है हस्बैंड नेम, एज है, प्रेगनेंसी मंथ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मिस कैरिड बिफोर है, उसके बाद है लास्ट मेनस्ट्रुअल पीरियड LMP है, फिर है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसी को ऐड किया गया है। पहले ये था कि जो प्रेग्नेंट लेडी में LMP तो था, लास्ट मेनस्ट्रुअल पीरियड तो था, बाकी जितने भी हैं सब थे, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है जैसे यहाँ पे 5/1/2023 है तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पहले नहीं था, अब इसको ऐड कर लिया गया है। ये तीन चेंजिंग है। और जो तो चौथी जो चेंज है वो है माइनर बग फिक्सेशन। इसमें कुछ एक जो सर्वर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे आप लोग किसी बेनिफिशियरी को जब ऐड करते थे लेकिन वो बेनिफिशियरी शो नहीं होता था, तो वो थोड़ा बहुत इसको ठीक करने की कोशिश की है। जैसा था जब हम सुपरवाइज़र या CDPO वाली आईडी से डिलीट करते थे बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर का पोषण ट्रैकर है वहाँ पे जो डिलीशन है ये शो नहीं होती थी, वहाँ एज सच बेनिफिशियरी रहता था, तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई है, उस बग को फिक्स करने की कोशिश की गई है। अब अगर आपको कोई परेशानी होगी इसमें कि शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।